बैक लगता है बहुत अच्छा ये फैक्ट है बट एक शिकायत मुझे किस चीज का वेट कर रहे थे आप नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमन बलूनी और आप देख रहे हो ऑटो मॉडल आज हम आपके लिए जो गाड़ी लेकर आ रहे हैं काफी सालों से मतलब चाहती रहे लोगों की और जो वेरिएंट आज आपके सामने पेश करेंगे वो टॉप सेलिंग वेरिएंट है हम बात कर रहे हैं जी आपकी टाटा नेक्सोन के बारे में ये जो वेरियंट आज हमारे साथ खड़ा है ये है एग्जेक्ट प्लस पेट्रोल वेरियंट आपको मैं इसके बारे में सब कुछ आज शेयर करूंगा और हमारी नजर में ये वैल्यू फॉर मनी वेरियंट क्यू है और क्यों ये टॉप सेलिंग वेरियंट है क्यूँ इतना बिकता है सारी डिटेल्स आपको बताएंगे तो वीडियो में बने रहिएगा शुरुआत चाबी से तो इस तरीके की आपको की मिलती है टाटा की बैजिंग है इसमें और यहाँ पर आपको जो फंक्शन मिलेंगे लॉक अनलॉक इसको आप दबाओगे तो आपके जो ग्लो उठेंगे और ये है आपका इसको दबाओगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा आपका इसमें आपको एक इमरजेंसी की का भी प्रोविजन मिलता है तो यहाँ पर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पर क्लासिक जिस तरीके की इसकी ग्रिल आती है एकदम पियानो ब्लैक फिनिश में बड़ी यहाँ पर टाटा की बैजिंग आपको मिल जाएगी क्रोम के ऊपर और थोड़ा बहुत यहां पर क्रोम का भी आपको काम दिखेगा अगर नीचे भी इसकी बात करूं ग्रिल की जो रेडिएटर ग्रिल है आपकी वो भी एरो डिजाइन के साथ आती है बहुत सुंदर लगता है इनका ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और यहां पर भी आपको ऐसे हल्की सी सिल्वर फिनिश मिल जाएगी अगर इसके हेडलाइन यूनिट की हम बात करें तो हेडलाइन यूनिट आपको इसमें कम्प्लीटली जो है हेलोजन बेस्ड मिलता है इधर जो आपको इसका लो बीम मिलता है वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प और जो इसका हाई बीम आपको मिलता है रिफ्लेक्टर बेस्ड है पूरा हेलोजन यूनिट इधर आपको जो फॉग फॉगलैम्प मिलते हैं वो भी रिफ्लेक्टर बेस्ड आपके फॉग फॉगलैम्प है अगर इसकी डीआरएल की मैं बात करूं तो ये एलईडी

अब यहाँ पर जो आप अपने सामने देख रहे हो ये टाटा का जो है 1.2 लीटर का रेबोट्रॉन टर्बोचार्ज इंजन है अगर इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये आपको मिलती है अप्रोक्स आपको 120 बीएचपी निकालेगा ये 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है जी हाँ टर्बोचार्ज इंजन है ऊपर से तो मजा ही कुछ और है खाली क्लच उठाओ और गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है बहुत अच्छे से इंसुलेशन की बात करूं तो इंसुलेशन बहुत अच्छे से है और अगर आप इंसुलेशन की बात करें तो उस तरफ भी आपको थोड़ी बहुत इंसुलेशन दी गई है इंजन गार्ड हालांकि इसमें नीचे की तरफ आपको नहीं मिलता तो कुछ इस तरीके का इसका इंजन बे है। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको जी 2498 mm का इसमें बेस मिल फोर अगर ग्राउंड एमएम की बात करूं तो 209 सौ mm की इंप्रेसिव ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाएगी दोस्तों एक और चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा कि यार थोड़ी गाड़ी गंदी है बारिश हो गई थी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा रही बात टायर प्रोफाइल की तो मैं आपको इसकी प्रोफाइल बता दूं 215 सौ आर 16 सोलह इंच के इसमें इसमें आपको आपको व्हील्स व्हील्स मिल मिल जाते हैं। ये आपको इसमें मिल जाते हैं हैं ये डायमंड कट डायमंडल्स टोन फिनिश में जो काफी अच्छा लुक इस गाड़ी को दे रहे हैं और फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं आपको अब बॉडी क्लाइडिंग की भी बात करू तो बॉडी क्लाइडिंग अच्छी तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही थेन है आपको पूरी अक्रॉस जाती हुई दिखेगी और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपको हल्का सा एक ब्लैक कलर का एलिमेंट दिया हुआ है ऊपर की तरफ आप देख सकते हो इसके ओआरवीएम्स जो की पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलते हैं और यहाँ पर एलि में आपको इसकी इंडिकेटर लाइट मिल जाती है बाकी क्रोम का ज्यादा कुछ काम नहीं है रूफ रूफेल्स आपको जैसे में स्टैंडर्ड मिलती है है वो उसमें मिल रही सिल्वर कलर में और शार्क फिन एंटीना जो ज्यादा लोग डिमांड करते हैं वो भी आपको इसमें मिल रहा है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर पूरा आपको देख सकते हो इसमें ब्लैक का भी एलिमेंट अच्छा खासा दिया गया है डोर्स के ऊपर वह सेंसर आपको अवेलेबल है इनकेस ये वर्क नहीं करता आप यहाँ से भी अपनी चाबी से यूज कर सकते हो अंदर जाने के लिए इसकी रेयर प्रोफाइल देख लेते हैं सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर टाटा की आपको जो है बैजिंग मिल जाएगी क्रोम में ठीक उसके नीचे आपको जो है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है जिसकी क्लैरिटी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे यहाँ पर आपको नेक्सोन हुआ मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको एक ब्लैक एलिमेंट दिया गया है ऊपर की तरफ आप बात कर ले तो सारी जरूरी चीजें आपको मिलती है वाइपर वॉशर डी सब कुछ आपको और यहाँ पर हाई अमाउंट टॉप लाइन मिलता है वोकल फॉर लोकल की बैजिंग मिलती है और यहाँ पर देख लीजिए टाटा जिस तरीके से बनाता है आपको टाइगर का टेल लाइन यूनिट की बात करेंगे तो टेल लाइन यूनिट आपको इसमें एलईडी का मिलता है ये जो ग्लो करता है का इंडिकेटर है हैलोजन में रिवर्स लाइट आपको यहाँ मिलती है नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं जो कि फंक्शनल नहीं है रेयर

डोर इसके सफिशियंटली वाइड खुलते हैं अगर मैं बात करूं कंफर्ट की तो अंडर था सपोर्ट अच्छा है हेड रूम छह फीट का बंदा होने के बावजूद इतना मेरे को मिल रहा है जबकि हाइट भी मैंने प्रॉपर एडजस्ट किया है बॉनेट मुझे विजिबल है अगर सीट की कुशनिंग की बात करूँ तो साइड से अच्छा खासा सपोर्ट है तो कंफर्ट बहुत अच्छा है और मतलब बॉनेट अच्छा खासा दिख रहा है अगर मैं नीचे भी कर दूंगा अपने आपको तो भी बॉनेट बढ़िया ही दिखेगा पीछे देखते हैं तो दोस्तों अब रेयर में देख लीजिए आप यहाँ पर आगे छह फीट का बंदा चला रहा है उसके बाद भी इतना है अगर मैं साइड में मेजर करूं बीच में मेजर करूंगा तो इतना हो जाता है हेडरूम की बात करूं तो बहुत ही इंप्रेसिव है आपको एडजस्टेबल हेड भी मिलते हैं इसमें और बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट की तो अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है और आमरेस भी दिया हुआ है तो कम्फर्ट बहुत अच्छा हो जाता है बूट स्पेस अब यहाँ पर आप इसका बूट स्पेस देख लीजिए पहले तो बड़ी सी पार्सल ट्रे आपको यहाँ मिल रही है इसको ऊपर करके दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस लगभग साढ़े तीन सौ लीटर आपको इसमें बूट स्पेस मिल रहा है सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट का ऑप्शन भी है आपके पास इधर आपको हुक्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको बूट लैम्प मिल जाएगा ठीक है इधर आपको जो है टाटा की किट मिल जाती है जिसको आप यूज कर सकते हो अपना जब कोई गाड़ी में दिक्कत आ जाए एंड अगर मैं बात करू स्पेयर व्हील की तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ मिलेगा उसमें जो है आपको एलोई नहीं मिलेगा स्टील रिम के साथ ही मिलेगा ठीक है अच्छी बात पता क्या है स्पेयर व्हील जो है ना वो भी सोलह इंच का है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बहुत अच्छा ये फैक्ट है मतलब कई गाड़ियों में क्या होता है कि यार जैसे 16 इंच के व्हील देना 15 इंच का स्पेयर व्हील देते हैं तो ये बहुत सही चीज है यहाँ पर बंद करने के लिए भी आपको दिया गया है तो इसके इंटीरियर को आप देख सकते हो मेरे को तो काफी मतलब बहुत ही प्रीमियम सा लगता है ठीक है फील गुड फैक्टर अच्छा है यहां पर बात करें तो यहां पर हार्ड प्लास्टिक आपको अक्रॉस मिलेंगे पूरा ब्लैक कलर के इस तरीके से डैश है और यहाँ से पूरा ये प्लेन सीधा जाता है छोटे छोटे एरोड्स बना रखे हैं इन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है क्लव बॉक्स कुछ इस प्रकार है और काफी मैसिव है अगर आप देखोगे क्लव बॉक्स तो यहाँ पर एक सबसे पहले टाइगर आपको बनावट दिख रहा है दो कप होल्डर आपको लगे हुए हैं एक पेन रखने की स्पेस है और यहाँ पर फोन रखने की स्पेस है और काफी मतलब मैसिव है उसके अंदर भी यहाँ पर देख लीजिए कितना सामान रखा हुआ है ठीक है तो इस तरीके से आपको इसमें क्लव बॉक्स मिलता है एसी की प्लेसमेंट्स आप देख सकते हो क्रोम की ट्रीटमेंट भी है उसके साथ बहुत अच्छा लगता है तो ऊपर की तरफ जो आप सनवाइजर मिलते हैं एकदम तो बेसिक यहाँ पर मिरर आपको मिलेगा इधर की तरफ आपको जो है यहाँ पर मिरर नहीं मिलेगा टिकट होल्डर मिल जाएगा अगर मैं यहाँ बात करूं आपको माइक्रोफोन मिल जाता है इधर वैसे अमूमन सनग्लास होल्डर होता है यहाँ पर सनग्लास रख सकते हो लेकिन इतना सेफ मुझे ऑप्शन नहीं लगता है छोटी सी स्पेस है इधर आपको एलईडी लाइट मिलती है जी हाँ एलईडी मिलती है आपको हेलोजिन नहीं मिलती और अगर इसकी बात करें आई इसका ऑटोमेटिक नहीं है मैनुअली जो है आपको इसको एडजस्ट करना होगा एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर मेरी कोई महंगी से महंगी गाड़ी में भी ये वो हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें इधर जो आप देख रहे हैं वो है हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन का जैसा भी इसकी स्क्रीन की बात करो लेकिन जो साउंड सिस्टम है बहुत ही इंप्रेसिव है यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी एफिशिएंसी वगैरह दिखाता है टाइम दिखा देगा आपको मीडिया के बारे में दिखाएगा एंड्रॉयड ऑटो एपल कार्पले मिल जाता है बाकी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो थोड़ा सा स्लो मुझे ये लगता है और जब आप अपना एंड्रॉयड ऑटो वगैरह भी कनेक्ट करते हो तो थोड़ा लैक करता ही करता है यहाँ पर एसी वेंट है नेक्सोन की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है और नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का यूनिट है जो बहुत ही अच्छा दिखता है अगेन कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है और उसी के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो ये है इसके फ्रंट फॉग लैम्प का बटन यहाँ पर आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो यहाँ से आप अपने बूट को अनलॉक कर सकते हो ट्वेल्व वोल्ट का एक सॉकेट और इधर एक यूएस पॉइंट आपको मिल जाता है ये है इसका सिक्स स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स बहुत बढ़िया और यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट है पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है इधर आपको इसके मिल जाता है ये छोटा सा गियर नॉक टाइप का जहाँ पे आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो इसमें आपको सिटी इको स्पोर्ट मोड मिल जाएगा और आपको बस इसको रोटेट करके करना है और बाकी यहाँ पर देख सकते हो आपको लग रहा होगा खाली है लेकिन

टेस्ट करा देता हूँ बेसिक हॉर्न है ठीक ठाक है मतलब इधर आपको इन्फोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और अपना वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाते हैं इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि हॉर्न दोनों तरफ से बजता है ये देख लिखते हैं इधर आप देख सकते हो यहाँ पर इसके वाइपर के कंट्रोल्स हैं और इधर की तरफ इसके हेडलैम्प के कंट्रोल है ऑटोमेटिक जी इसमें नहीं आते तो इसमें आपको टिल्ट मिलती है टेलीस्कोपिक नहीं मिलती और इसकी हाइट बहुत अच्छी प्लेस है मतलब अगर ऊपर की तरफ भी ना तो मजा आ रहा है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको मिल जाती है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो की बहुत ही इंप्रेसिव लगती है ब्राइटनेस इसकी अच्छी खासी है बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इसका टैकोमीटर आपको बना हुआ है स्पीड आपको बीच में दिखती है डिजिटल वे में और साइड में आपको दिख जाता है इसका फ्यूल के बारे में कितना फ्यूल है जैसे अभी दिखा रहा है कि एंड हो चुका है या होने वाला है बीच में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बेसिक सी है जैसे कि आपका ओडोमीटर दिखा देगा ट्रिप ए ट्रिप बी किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दिखा रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी लेकिन जब चलते हुए गाड़ी में आप इसको देखते हो बहुत ही मजा आता है इसके डोर्स की बात करें तो डोर्स बहुत ही नाइस एंड प्रीमियम है यहाँ पर आपको फेब्रिक टच दिया हुआ है जो बहुत अच्छा लगता है और पियानो ब्लैक फिनिश में इस तरीके से स्लांट हाइट पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं चारों पावर विंडोज के ये चाइल्ड लॉक है विंडोज का और आपको यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा और यहाँ पर आप ट्विटर देख रहे हो ना ऐसे हर डोर पे ट्विटर है इसमें जो सिस्टम आता है चार ट्विटर चार स्पीकर का आता है अम्ब्रेला होल्डर डेडिकेटेड है यहाँ पे और बॉटल होल्डर उस तरफ है वहां पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो ग्लो नहीं करता दोस्तों इधर आपको मिलता है इसका ओर वीएम्स एडजस्ट करने के कंट्रोल जी हाँ ये रिट्रैक्टेबल एंड एडजस्टेबल है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो ओवरऑल बहुत अच्छी बिल्ट है गाड़ी की डोर्स की और यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड कॉइन होल्डर स्पेस दी गई है रेर में जो आपको फीचर्स ऑफर होते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका एसी वेंट मिल जाते हैं जो अच्छी खासी हाइट पे प्लेस्ड है बट एक शिकायत मुझे हमेशा से टाटा की कार्स में रही है की जो ये हम्प होता है ना बीच में मिडिल पैसेंजर को काफी दिक्कत देता है अब देखो ये एक उंगली से भी ज्यादा बड़ा इसमें हम्प आपको मिलता है तो बीच वाला बंदा जरा टांगे फैला के बैठेगा चारों एडजस्टेबल हेड्रेस तो है स्पीकर सिस्टम का आपको बता दिया यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं विद हुक आपको आप सामान भी टांग सकते हो पे और हुक जो है डोर्स के ऊपर भी मिलते हैं जो आपको वहां दिख रहे हैं इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टेबल वाली आती है कंफर्टेबल सीट्स है फेब्रिक सीट्स है और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्विन कप होल्डर के साथ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो स्टडी डिजाइन है इन सब फीचर्स के अलावा आपको मेजर ज्यादा पीछे फीचर्स नहीं मिलते क्योंकि इन सब फीचर्स से ज्यादा कुछ फीचर्स होते भी नहीं है किस चीज का वेट कर रहे थे आप तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा नेक्सोन का एक्जेट प्लस वेरिएंट ऑफ द पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन था यहाँ पर सिक्स फुल्ली रिकमेंडेड कार है हमारे द्वारा इसमें आपको फील गुड फैक्टर भी अच्छा मिलेगा अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं अगर आप जाने की सोच रहे हो ब्रेजा की तरफ अर्बन क्रूजर की तरफ वेन्यू की तरफ इवन अगर आप क्रेटा का बेस मॉडल भी देख रहे हो आप इवन तब भी इसकी तरफ जा सकते हो बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है खुद से एक बार आइए टेस्ट ड्राइव लेके देखिए और फिर हमको थैंक्स कीजिए कि भाई जी आपने सही बात बोली थी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा कॉमेंट्स में बात करूं इसके प्राइस की तो इस समय आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर वो दिख रही है और इसके कलर ऑप्शंस की भी बात करूं तो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर वो मौजूद हैं और इसमें एक और चीज है कि यार आपको वेरिएंट्स इतने सारे मिलते हैं ना बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं आपको नेक्सॉन के अंदर डार्क एडिशन है काजीरंगा एडिशन है अगर आपको उन सब पे कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और ऐसा कंटेंट आपको देखते रहना है कभी मिस नहीं करना है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जो आपको नीचे दिख रहा होगा उसको दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका आनंद उठाते रहिएगा आज का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में